हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइलिश स्पाइस। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ माय फेवरेट ज्वेलरी कलेक्शन, एंड दिस कैन बी फ्रॉम मीशो और फ्रॉम फ्लिपकार्ट और फ्रॉम अमेज़न। सो मैंने बहुत सारी ज्वेलरीज पिछले कुछ दिनों में ऑर्डर करी थी। मैंने आपके साथ उनका हॉल ऑलरेडी शेयर कर दिया है, बट आप लोग मुझसे उनके रिव्यूज़ मांगते हैं, कि मैं उनको यूज़ कर रही हूँ तो उनकी कैसी क्वालिटी है। बिकॉज जब वो आते हैं तो मैं आपको बस दिखाती हूँ कि अच्छी क्वालिटी में मुझे रिसीव हुआ है। अब जो सिल्वर ऑक्सीडाइज ज्वेलरीज जो होती हैं, क्या उसमें जंक लग गया है, वो सारी चीज़ें, तो वो सब यूज़ करने के बाद ही, एक टाइम पीरियड के बाद ही मेरे को समझ में आता है, चाहे वो स्किन केयर हो, चाहे वो मेकअप हो, चाहे वो ज्वेलरी हो, चाहे वो कोई कपड़े ही क्यों ना हो। सो मैंने सोचा है कि अब मैं आपके साथ उनके रिव्यूज़ भी शेयर किया करूँगी, सो दैट जो बेस्ट चीज़ें हैं वो आप परचेज करें, एंड जो अच्छी चीज़ें नहीं हैं उन पर आप इन्वेस्ट ना करें, अपने पैसे बचाएं बेसिकली। सो मेरे पास यहाँ पर इतनी ज्वेलरीज हैं जिनको मैं यूज़ करने से पहले सोचती नहीं हूँ, मतलब आई कैन यूज़ दीज ज्वेलरीज कभी भी, किसी भी टाइम पे, चाहे मैं उसको इंडियन वेयर पे मतलब पहन लूँ, चाहे मैं उसको वेस्टर्न के साथ कैरी कर लूँ, मतलब ये बहुत ज़्यादा अच्छी हैं और अफोर्डेबल भी हैं। आई गेस देखना पड़ेगा, वो तो सबको प्राइजेस आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे। तो चलो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ वो है दिस वन, एंड दिस इज़ अ नेकलेस, और ये मैंने मंगाया था मीशो से। आपको प्राइसेस सबके स्क्रीन पे दिख जाएंगे। इनकी क्वालिटी इज़ ऑसम, मैं आपके साथ जितना अभी शेयर करने वाली हूँ उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, और इनको यूज़ करने से पहले आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वाला नेकलेस है जो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे, मैंने जब बहुत सारी रील्स बनाई थी मैंने वहाँ पे भी उसको कैरी किया था, एंड मैं आपके संग ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। तो दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल, पर्ल की डिटेलिंग है इसमें और चोकर टाइप में इस तरीके से आपको आ जाएगा। आप इसे किसी भी इंडियन ड्रेस के साथ कैरी कर सकते हैं। इसमें बहुत छोटा सा ये मांग टीका आया है कुछ इस तरीके से, एंड ये दो इसके इयररिंग्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल, एलिगेंट और बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। आप इसको साड़ी के साथ, आप इसको लहंगे के साथ, आप इसे किसी भी इंडियन अटायर के साथ आप इसे कैरी कर सकते हैं। बहुत ही प्रिटी लगता है, बहुत ज़्यादा, एंड क्योंकि इसका जो कलर है वो पर्ल, मतलब वाइट कलर है ना, वाइट स्टोन है, वाइट मोती जो होते हैं वो है, तो ये हर कलर के आउटफिट पे चला जाता है, चाहे आप कोई डार्क कलर का पहन रहे हैं, चाहे आप कोई लाइट कलर का पहन रहे हैं। सो ये है मेरा फर्स्ट सेट आप बोल सकते हैं। अच्छा गाइस, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ना मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ अबाउट वन थिंग। सो यू गाइस वर आस्किंग मी फ्रॉम सो लॉन्ग कि मेरा हेयर केयर रूटीन क्या है, विच शैम्पू आई यूज़ ऑन अ डेली बेसिस। तो मैं आपको वैसे एक प्रॉपर मेरा हेयर केयर रूटीन मैं आपके साथ शेयर करूंगी वेरी सून, जिसमें मैं क्या क्या चीज़ें करती हूँ अपने बालों को अच्छा रखने के लिए, उनको मेंटेन करने के लिए, उनकी लेंथ को, उन हेयर फॉल को, एंड एवरीथिंग। बट मैंने सोचा आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं शैम्पू कौन सा यूज़ करती हूँ ऑन अ डेली बेसिस, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। सो गाइज, मैंने आपके साथ शेयर किया था कैरेट सीड के बारे में, कि कैरेट सीड, कैरेट जो होता है बेसिकली हमारे स्किन के लिए, हमारे हेयर्स के लिए कितना ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैंने आपके साथ कैरेट सीड की रेंज में ऑलरेडी जो है फेस वॉश क्रीम वगैरह ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कैरेट सीड का ये वाला शैम्पू, विच इज़ फ्रॉम ब्रांड न्यूड, एंड मैंने इसी ब्रांड का आपके साथ शेयर किया था फेस वॉश एंड द क्रीम। तो लिंक इज हेयर इन द आई बटन, आप बाद में जाके चेक कर सकते हैं। दिस शैम्पू इज़ रियली वेरी गुड। आप मेरे बाल जो देख रहे हो ना, ये ऐसे ही नहीं हो जाते यार, इनके लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। बट दिस इज़ अ शैम्पू, जब से मुझे ये मिला है ना, मुझे इसके बाद कुछ और ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता कि मुझे आज एलोवेरा लगाना है अपने बालों पे, या फिर आज मुझे एग लगाना है, या फिर ऐसा कुछ भी मुझे इतना सोचना नहीं पड़ता, बिकॉज ये एक पर्टिकुलर शैम्पू मेरी सारी प्रॉब्लम्स को ट्रीट कर देता है, चाहे वो हेयर फॉल हो, चाहे वो हेयर लॉस का इशू हो, चाहे मेरे बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी हो गए हैं, मुझे उन्हें मैनेज करना है, टैंगल फ्री करना है, मतलब बहुत सारी चीज़ें। एंड कैरेट की गुणवत्ता तो मैं आपको ऑलरेडी बहुत बारी बता चुकी हूँ। आफ्टर यूजिंग दिस शैम्पू मैं यूज़ करती हूँ इसी का कंडीशनर, दिस वन, जिससे मेरे बाल अगर थोड़े बहुत उलझे भी हैं तो वो बहुत ज़्यादा मैनेजेबल हो जाते हैं। और ट्रस्ट मी, इन दोनों के कॉम्बिनेशन के बाद आई डोंट थिंक कि मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत है। सो इनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप जाके चेक ज़रूर कीजिएगा, या आपको फ्लिपकार्ट, अमेज़न, इनके ऑफिशियल वेबसाइट सब जगह अवेलेबल हो जाएगा।
सो गो एंड चेक इट आउट गाइस। ऑलराइट गाइस, सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट ज्वेलरी की तरफ। सो नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पर ये है। अच्छा, मैंने ना सबके ज्वेलरीज और बॉक्सेस सब मिक्स मैच कर दिए हैं क्योंकि मैंने यूज करती हूँ ना डेली बेसिस पे, इसलिए। तो नेक्स्ट में मेरे पास ये वाले इयररिंग्स हैं और मोस्टली आपको मेरे ना इस हॉल में इयररिंग्स ही मिलेंगे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो ये इस तरीके के कुछ इयररिंग्स हैं, मैं आपको पहले दिखाता दूँ, ऐसे हैं। इसमें मिरर है और ये ऑक्सीडाइज्ड है। तो मैंने आपको बोला ना कि ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरीज क्या होती है, उनमें जंग लग जाता है, बट ट्रस्ट में मैं इसको बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ। इसे यूज़ करते करते मुझे अराउंड 2 महीने हो चुके हैं और 2 महीने में इसमें कुछ भी चेंज नहीं आया है, नथिंग। सी दी क्वालिटी एंड एवरीथिंग। बेसिकली आपको आज क्वालिटी ही मुझे दिखानी थी सारी चीज़ों की। तो ये बहुत ही प्यारे से इयररिंग्स हैं और सबसे बड़ी बात इन इयररिंग्स की ये है ना कि आप ऑक्सीडाइज ज्वेलरीज को आप वेस्टर्न के साथ भी कैरी कर सकते हैं और आप इंडियन अटायर पे भी कैरी कर सकते हैं। बहुत प्रिटी लगता है, मैं इसको अभी पहनी। वैसे मुझे आपको बहुत सारी ज्वेलरीज दिखानी, तो मैं फिर बार बार उतारनी पड़ेंगी। तो ये है वो नेक्स्ट मेरा ज्वेलरी जिसे मैंने बड़े प्यार से इस वाले बॉक्स में सिक्योर करके ऐसे रखा है। इसमें हालांकि और कुछ आया था बट वो मुझे पसंद नहीं आया तो मैंने वो फेंक दिया। सो गाइस, नेक्स्ट मेरे पास जो है वो इस तरीके के बॉक्स में है एंड दिस इज आई गेस मैंने मीशो से ही ऑर्डर किया था। इसकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। ये एक चोकर टाइप में है, तो ये कुछ इस तरीके की है और ये मुझे इतनी प्यारी लगती है ना। और सबसे बड़ी बात, इसमें ना ये जो घुंघरू से नहीं लगे, मुझे ये घुंघरू वाली चीज़ें ना बहुत पसंद आती हैं, चाहे वो पायल ले लो चाहे आप कोई भी चीज़ ले लो। और ये बहुत ही अच्छा, देखो कितना प्यारा लग रहा है। इसको मैं किसी वेस्टर्न के साथ भी मैं अगर पहनना चाहूँ ना तो पहन सकती हूँ। आई गेस डेनिम पे ये बहुत अच्छे से जाएगा, तो क्योंकि ये ऑक्सीडाइज्ड में है और इस पर जो यहाँ पे डिटेलिंग दे रखी है वो कुछ मोर की दे रखी है, जो कि बहुत ही एलिगेंट और बहुत ही प्यारा सा लगता है, कुछ इस तरीके से है। और इसके जो इयररिंग्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा प्रिटी हैं, इस तरीके से इसके इयररिंग्स हैं, क्यूट से छोटे छोटे से इयररिंग्स दे रखे हैं। एंड द बेस्ट पार्ट, इसके इसमें रिंग भी दे रखी है, इस तरीके से पहन के दिखाती हूँ मैं आपको, इस तरीके से है ना, बहुत ही क्यूट से रिंग है। आप इसको अपने अकॉर्डिंग ना आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं, ओके, लाइक दिस। तो ये है मेरी नेक्स्ट ज्वेलरी एंड दिस इज फ्रॉम मीशो। आपको सबके प्राइसेस स्क्रीन पे दिख जाएंगे। सो नेक्स्ट जो मेरे पास है यहाँ पर, वो मैंने यहाँ पे निकाले हैं अगेन इयररिंग्स। 2 इयररिंग्स हैं एक्चुअली, इसमें नेक पीस है, मैं आपको वो नहीं दिखाऊंगी बिकॉज मुझे वो पसंद नहीं आया था। ये एक्चुअली उसका वैसे तो ये पूरा सेट आया था बट नेक पीस की क्वालिटी ना उतनी अच्छी नहीं है, उसमें पीछे पीछे हल्की सी जंग लगना स्टार्ट हो गई है। बट इसके इयररिंग्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं एंड बहुत ही प्यारे हैं। इस तरीके के इसके इयररिंग्स हैं, काफ़ी बड़े बड़े से अगेन। और ये मैंने एक वीडियो में आई गेस कैरी भी किया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है बट मैंने किसी वीडियो में पहना था और ये बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ज़्यादा। इसको भी आप सेम, आप चाहे तो अगर आपने साड़ी पहनी है ना बहुत सिंपल सी साड़ी, तो आप उसके साथ भी इसको कैरी कर सकते हैं और आपको उसके साथ कोई नेक पीस वगैरह कैरी करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े हैं, मतलब मेरे फेस के अकॉर्डिंग तो बहुत बड़े हैं। और इतने बड़े बड़े इयररिंग्स आपने डाल लिए, उसके बाद आपको नेक पीस पहनने की क्या ही ज़रूरत पड़ेगी। तो या बस ये है मेरा नेक्स्ट पीस। और नेक्स्ट ज्वेलरी जो मेरे पास है वो अगेन इयररिंग्स हैं क्योंकि मुझे इयररिंग्स का बहुत ज़्यादा शौक है। सो ये मुझे एग्जैक्टली वैसे याद नहीं है कि मैंने ये कहाँ से लिया था, आई गेस फ्लिपकार्ट या अमेजन, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट मैं मेंशन कर दूंगी लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये है वो नेक्स्ट इयररिंग और ये मैंने शायद अभी आई गेस 2-2.5 महीने पहले ही मैंने इसको परचेज किया था। एंड इसकी तो बेस्ट पार्ट पता है क्या है कि इसमें जो ये वो दे रखे हैं ना स्टोन्स, वो इसमें दिए हैं रेड और ग्रीन के कॉम्बिनेशन में, जो कि हर आउटफिट के साथ चला जाता है और ये स्पेशली इंडियन अटायर के साथ बहुत अच्छे से जाता है, बहुत ज़्यादा अच्छे से। कुछ इस तरीके से है ये इयररिंग, लाइक दिस, बहुत ही सिंपल और ब्यूटीफुल लगता है, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं क्या बोलूँ। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी तो आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेरे पास इयररिंग है ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था और मैंने आपको बोला था कि मैं बहुत टाइम से देख रही थी, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चला था एक टाइम पर, मुझे काफ़ी टाइम से ये चाहिए था, मैं परचेज नहीं कर पा रही थी पता नहीं किस रीज़न की वजह से, और मुझे ये बहुत पसंद है। हालाँकि मैं तो लंबे लंबे कहीं भी पहन के नहीं जाती हूँ, बट मुझे लगता है कि मैंने अगर इसे एक भी पहन लें तो बहुत प्रिटी प्रिटी सा लुक ये देता है। और अब मैं ये डाल लेती हूँ क्योंकि मुझे अच्छे लग रहे हैं। तो या एंड आई एम डन, सी ये आपके पूरे लुक को कंप्लीट कर देती है ना ये ज्वेलरीज वगैरह जो होती है। अगर आपने अच्छी सी ज्वेलरी पहन रखी है और आपने बहुत सिंपल सा आउटफिट भी डाला हुआ है ना, तो आपके पूरे लुक को कंप्लीट कर देता है, लाइक दिस। और ये बहुत ही
इसमें झुनझुने सी आवाज़ आती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। सो नेक्स्ट जो मेरे पास ज्वेलरीज है वो है फ्रॉम ब्रांड ज्वेल्स गैलेक्सी, और ज्वेल गैलेक्सी आपको फ्लिपकार्ट पे बहुत अच्छे से मिल जाएगा। सो ये बहुत ही प्यारा सा एक मेरे पास ब्रेसलेट है, सुंदर सा। ये थोड़ा सा कॉस्टली था, अराउंड 1500 के आसपास की इसकी रेंज थी, बट ये 1500 के बिल्कुल वर्थ है। ये अमेरिकन डायमंड है, दिस इज अमेरिकन डायमंड इस तरीके से, और ये ब्लू और वाइट कलर का इसमें स्टोन दे रखा है, और इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है इस तरीके से। मैंने आपको पहले भी दिखाया हुआ था, आप जैसे अगर कोई फंक्शन हो रहा है ना, तो आप उसमें जैसे अपने हाथ में कुछ भी नहीं कैरी किया, एक हाथ में आपने वॉच कैरी कर ली और एक हाथ में आपने ये ब्रेसलेट डाल लिया, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर लगेगा। सो बस यार, ये मुझे बहुत पसंद आया था, थोड़ा सा कॉस्टली था, लेकिन अमेरिकन डायमंड थोड़ा सा कॉस्टली ही आता है, लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। मैंने अभी तक इसे पहना भी नहीं है, सी इसका मैं टैग अभी तक ऐसे ही लगा हुआ है इसकी, लेकिन क्वालिटी बहुत अमेजिंग है, सुपर्ब है। अगर आप इसको परचेस करेंगे आप पक्का रिग्रेट नहीं करेंगे, ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकती हूँ। सो नेक्स्ट जो मेरे पास है वो ये वाला बॉक्स है, और इसमें भी आई गेस मेरे पास एक ब्रेसलेट है, और ये ब्लैक कलर का है। ये थोड़ा सा अफोर्डेबल, थोड़ा सा नहीं बहुत अफोर्डेबल था, इस तरीके का है। और ये जो ब्लैक ब्रेसलेट है ना, आप इसे किसी भी आउटफिट के साथ अगेन कैरी कर सकते हैं, क्योंकि ये ब्लैक कलर में है, और ब्लैक कलर, ब्लैक गोज़ विद एवरी कलर, ऐसा मुझे लगता है, इस तरीके से है ये। और बस इसके साथ आई गेस मेरा ये वाला लुक भी कंप्लीट हो गया है, मैंने ज्वेलरी भी डाल ली है, मैंने कुछ नहीं डाला हुआ था, और मैंने ब्रेसलेट भी डाल लिया है। सो या देखा, इस तरीके से आप अपने लुक कंप्लीट कर सकते हैं इतनी सिंपल सिंपल ज्वेलरीज के साथ। आपको पहनने से पहले सोचना नहीं पड़ेगा कि हाँ मुझे ये इस ड्रेस के साथ जाएगा या नहीं जाएगा। एंड आई रियली होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी, अगर हाँ तो वीडियो को मेक श्योर लाइक कर देंगे। एंड जो न्यू शैम्पू एंड कंडीशनर है उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है, सो उसको चेक ज़रूर कर लीजिएगा। सो या मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में गाइज, टिल देन स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे होम, बाय।